संदीप दुबे जी, अग्निवीर योजना पर कदम पीछे खींचेगी सरकार, आपके सहयोगी कह रहे हैं अग्निवीर योजना। एक तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, देश की जनता को बधाई कि पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार इस देश में आई है, और आपको भी बधाई कि आपके कठिन प्रश्न हमेशा आपसे एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि बेहतर तरीके से काम करे। सत्ता पक्ष से लोग प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न को और गंभीरता से करते हैं। आदत मेरी पुरानी है, सवाल सत्ता से पूछता हूँ तो आपसे सवाल बरकरार रहेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे केसी त्यागी जी संरक्षक रहे हैं और बड़े राजनेता हैं, उन्होंने एक सुझाव के तौर पे ये बातें रखी कि भाई अग्निवीर योजना हो सकता है कि जिस तरह से अग्निवीर योजना आई है और उस योजना को लेके जिस तरह विपक्ष ने भ्रम फैलाया उस पर एक बार बात हो और तरीके से। अच्छा, ये विपक्ष ने भ्रम फैलाया अग्निवीर योजना जो है देश हित में है। बोले, प्रश्न बोले सर। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने विरोध फैलाया? विपक्ष ने झूठ झूठ प्रचार प्रसार जो फैलाया। देखिए अग्निवीर योजना के ऐसे काफी फायदे हैं देश के, तो कदम पीछे खींचेगी नहीं खींचेगी सरकार? ये डिमांड है आपके, जेडीयू की डिमांड है, कदम पीछे खींचेगी नहीं का देश में समाज में करते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर कदम पीछे खींचेगी सरकार, यस और नो? नहीं नहीं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। हम अपने सभी साथियों को इस विषय में अगर किसी को भ्रम होगा उसको समझाने का काम करेंगे। मतलब अग्निवीर योजना को लेकर कदम नहीं पीछे खींचेंगे? और उस वो जो देश में अग्निवीर योजना आई है वो योजना युवाओं को सशक्त करती है, भारत को सशक्त करने का काम। आप ये कह रहे हो किसी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा? ये सभी विषय गठबंधन के आपस में, देखिए मीडिया वाले लोग आपस में न लड़ाए, हम सब लोग साथ। नहीं सर, हम लड़ा क्यों रहे हैं? हम क्यों लड़ाएंगे? आपके नेता बयान दे रहे हैं, कम दूर करेंगे, आपके गठबंधन के सहयोगी बयान दे रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, वो कह रहे हैं कि कदम पीछे खींचिए, इससे नुकसान हुआ। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के एनडीए में कोई मन में मनभेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, एनडीए पूरा एक है और ये सभी विषय जो भी विषय है तो सभी अगर होगी तो होगी। एनडीए तो अब जिंदा हुआ ना सर? नहीं, एनडीए तो पहले से भी है, आज से थोड़ी एनडीए। अच्छा, दोनों जो सरकारें भी हमने चलाई है एनडीए की ही चलाई है। सच में सर? तो अजीब सी बात है ये जो। तो सर थोड़ा सा ना इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। एनडीए की 10 सालों में कितनी बैठक हुई? देखिए बैठक हुई नहीं हुई, एनडीए। अच्छा, बैठक के बिना ही एनडीए चल रहा था? एनडीए अच्छा, कन्वेनर कौन है इसका? हमेशा सत्ता में रहे 10 सालों में एनडीए। चलिए सर, मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए मंत्रिमंडल में तो मंत्रिमंडल की, मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। दुबे जी, सबसे हाथ जोड़ के चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए का कन्वेनर कौन था 10 साल में, उसका नाम बताइए। शुरू में लास्ट कन्वेनर उसके शरद यादव जी रहे। शरद यादव जी रहे, मैं पूछ रहा हूँ कन्वेनर कौन था, नाम तो बता दीजिए सर। 10 सालों में भैया कन्वेनर की क्या जरूरत, जब नेता एनडीए का नेता ही, जब मोदी जी कन्वेनर की जरूरत ही नहीं है, नेता थे एनडीए, कन्वेनर की जरूरत ही नहीं है सर। आप ये कह रहे 10 सालों में एनडीए चला रहे थे आप, कन्वेनर बन गया क्या? अरे सर, अभी भी एनडीए का कोई कन्वेनर तिलक जी बन गया क्या? तो सर अब तो बनाना पड़ेगा, मिलकर मोदी जी को अपना नेता मान लिए, अब तो बनाना पड़ेगा सर। सर हमने ऑलरेडी मान लिया गया कि हमारे नेता जो है सर, मतलब मान लिया आपने, कन्वेनर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इस विषय पे विवादास्पद ये कोई विषय नहीं है, हम बैठ के अपने पास, अब अगर कोई विषय भी आता है किसी पक्ष का तो उस विषय को बैठ के हम। नहीं सर, आप कह रहे थे ना एनडीए था 10 सालों में, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, 10 सालों में एनडीए में कन्वेनर तो होगा कोई, आप नाम ले लीजिए। मैं मान सर एनडीए, मैं बता रहा हूँ ना, शरद यादव जी जब हम एनडीए छोड़ के चले गए थे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एनडीए ने सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए का नेता मान लिया। सर, जैसे इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन के नेता थे, एनडीए के कन्वेनर नहीं थे? हाँ बिल्कुल नेता थे ने, और आज भी नेता ही चुनाव हुआ है। कल जो बैठक, कन्वेनर तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर पार्टी के ऊपर, वो पार्टी कर लेगी। अच्छा चलिए छोड़ देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए छोड़ देता हूँ, आप कह रहे छोड़ दीजिए उस बात को। संदीप जी, संदीप जी, ऐसे हमारे पास नेता है, राजनेता है कि कोई विषय बनेगा नहीं, संदीप जी गंभीरता नहीं बनता। संदीप जी मैं आपका कायल हूँ, पता क्यों? आप सवाल को बिल्कुल जो है पतली गली से निकाल कर निकल जाते हैं। वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवा के रहे। एक तो दो विषय मैं रखता हूँ, राजीव जी को आप हमारे खिलाफ भड़काइए नहीं, वो जो केसी भाई साहब का सुझाव के तौर पे था
क्योंकि जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में ऐसा लगता है बहुत से राजनेता को कि अग्निवीर भी एक मुद्दा था जिसकी वजह से वोटर हमसे, युवा वर्ग कुछ जातिगत जनगणना करवाने के पक्षधर आप हैं कि नहीं? संदीप दुबे जी, मैं आगे बढ़ूं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? वो कह रहे हैं होगी, आपके सामने बोल रहे हैं। जो भी एनडीए गठबंधन के जो भी सुझाव है वो मिलकर हम सब फैसला करेंगे, उसमें व्यक्तिगत कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। और नीतीश जी बहुत समझदार बड़े राजनेता हैं और उनको वो सक्षम है। संदीप जी सुन रहे हैं, यूसीसी का भी विरोध कर रहे हो? तिलक जी स्पष्ट है, नेताजी लोग का बयान हमने सुना है भी है, वो कोई जेडीयू यूसीसी का भी विरोध नहीं करेगी, न सीए का विरोध करेगी। मिलके हम सरकार चलाने वाले हैं और हमने कहा ना कि सबने गठबंधन धर्म का पालन सबको करना है और जिसने जो जनता से वादा किया है। ठीक संदीप जी, जो बात आलोक जी कह रहे थे, आलोक जी जो बात कह रहे थे कि भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए अलग था, ये मोदी का एनडीए अलग है, कह रहे हैं ब्लैकमेल की राजनीति नहीं हो पाएगी जो पहले हुआ करती थी। तिलक जी मैं आपको साधुवाद दूंगा कि राजीव जी ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा और जेडीयू ने अपना जिस तरह से पक्ष रखा है वो स्पष्ट है कि जेडीयू को कोई अलग हमसे नहीं कर सकता। हम शरीर है तो हमारी आत्मा है, हम आत्मा है तो हमारी शरीर है। अच्छा, नीतीश जी की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो विशेषता ये है कि नीतीश जी को जो समझता है वही नीतीश जी को भी नहीं समझता है। नीतीश जी हमेशा आज बिहार के लिए अवसर है और वो अवसर को कभी नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं और न छोड़ सकते हैं। नीतीश जी में जो सबसे बेहतर काबिलियत है वो ये है कि बिहार के संरक्षक के तौर पे भी नीतीश जी हैं। पूरा बिहार कहीं विश्वास करे ना करे, नीतीश जी पे पूरे बिहार को विश्वास है और उसी विश्वास का प्रतिफल है कि वहां जो जंगल राज था उसको खत्म किया, अपने हाथ में बिहार को रखा और हमेशा बिहार को गति दी। अब स्पष्ट बात यह है, दो विषय कि मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे करके जनता के साथ वादे करके आई है, पहला सबका है कि वो वचन पत्र जो है जनता से दिया वो वचन 100% पूरा किया जाए। और हमारी कोशिश है हम जनता से जो भी वादे करके आए हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, 5 साल वो मोदी जी की गारंटी को हम पूरा करेंगे। आपने कहा ये मोदी जी की गारंटी है, वादा पूरा करेंगे, सरकार चलाएंगे, बिल्कुल करेंगे, पक्का सर, 5000% हम मोदी जी की गारंटी पूरा करने जा रहे हैं और देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हम सब भारत के मिलकर उनके साथ हैं, उसको पूरा करेंगे। आपने 2014 में बिहार को विशेष राज्य दर्जे देने का ऐलान किया था, 2014 में चुनावी वादे में था, अपना वादा पूरा करेंगे? हाँ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिहार को जो हम दे सकते हैं। तो 10 साल में आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया बिहार को? हम कर सकते हैं, करेंगे। और एक और चीज तिलक जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 10 सालों में क्यों नहीं दिया आपने फिर? सर सुनो तो मेरी बात तिलक जी, ये सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है गरीबों को समर्पित सरकार, भारत से गरीबी दूर करेंगे और जितने भी देश भर में जो पिछड़े स्टेट हैं उनको सशक्त करेंगे, मुख्य धारा में ले आएंगे और मजबूत सरकार। संदीप जी नारों में सही लगता है, मैंने आपसे पूछा इन 10 सालों में आपने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया? जो बीत गई सो बात गई, हम देने जा रहे हैं। अच्छा, बीत गई जो बात गई है, अभी जो भी विषय जो, तो फिर आपने तो मोदी की गारंटी का जिक्र किया था, आपने तो 2014 में यही गारंटी दी थी कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। देखिए हम अभी भी उस गारंटी पे कायम है क्योंकि देखिए तिलक जी, ये साल तो सरकार 3 साल ही चलाने का अवसर मिला, 2 साल तो जैसे ही सरकार बनी आलोक जी, 2 साल हम पैंडेमिक में रहे हैं, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो गई, पूरे विश्व के देश संघर्ष करने लगे। जी, आप आज कह रहे हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पूरे विश्व तो क्या आंध्र प्रदेश को भी खड़ा हुआ है? संदीप जी आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देंगे? देखिए मैंने फिर कहा ना कि ये सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है, तिलक चावला जी जहां भी देश में गरीबी होगी उसको मुख्य धारा में ले आएंगे और अधिकरण जो हो रहा वो ये तो सियासी समझौते कर रहे हैं, बेरोजगारी देश से दूर करनी है ताकि अगली बार आप हम ये तो सियासी समझौते कर रहे हैं संदीप जी, 455 जीत के आए। संदीप जी आप तो सियासी समझौते कर रहे हैं, हमारा कोई सियासी समझौता नहीं है। आंध्र प्रदेश को आज आप कह रहे हो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार को कह रहे हो विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे? पिछली 5 सालों में हमारी सरकार को समर्थन दिया था, उनके सांसद हमारे साथ थे। संदीप दुबे जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, मेरी सुई वहीं पर ही आकर अटक गई जो पहले सवाल पर थी। ये अग्निवीर योजना जिसका जिक्र किया जा रहा है और ये अग्निवीर योजना का जिक्र बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है और चुनावी मंचों पर तो हुआ सबसे ज्यादा,
अग्निवीर योजना का असर इस बार पड़ा कि नहीं? संदीप दुबे जी का ऑडियो प्लीज। संदीप दुबे जी, अग्निवीर योजना का असर पड़ा कि नहीं? सर वो म्यूट तिलक जी जो विषय आया है, आज बड़े संरक्षक के तौर पे हमेशा रहते हैं केसी त्यागी जी, उन्होंने अगर कोई विषय रखा कि कोई समीक्षा होनी चाहिए तो उस पे भी जब एनडीए की घटक दल बैठे, अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ कि नहीं सर, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान नहीं हुआ, एनडीए पूरे देश में लड़ी है, उत्तर प्रदेश। आपने कहा बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं? हाँ बिल्कुल रखिए ना जी प्लीज, मैं आंकड़े रखता हूं आपके सामने और वो आंकड़े आपको बताएंगे। जहां जहां जिस जिस राज्यों में माना जाता है कि आर्मी से फौज से लोग आते हैं, शुरुआत करता हूं मैं हरियाणा से। अग्निपथ योजना हरियाणा, हरियाणा का आंकड़ा देखिए, 2019 में 10 सीटें मिली थी आपको, वोट शेयर था आपका 58%, और 2024 में मिली महज 5 सीटें और आपका वोट प्रतिशत गिर गया और पहुंच गया 46% के आसपास। हिमाचल, 4 सीटें आपको मिली थी 2019 में और 2024 में भी 4 सीटें ही मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, जहां 70% आपको एक तरफा वोट पड़े थे वहां आपका वोट फीसदी 56% तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी आपको 2019 के मुकाबले 2024 में 5 सीटें मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, आपका वोट फीसदी गिर गया नीचे आकर 57% तक। ये वो राज्य हैं जहां पर माना जाता है कि ये फौजी बहुल इलाके हैं, और खास तौर पर अगर यूपी का जिक्र करें तो सर देख लीजिए, 2024 में महज 33 सीटों पर आप सिमट गए और वोट फीसदी हो गया 41% के आसपास। अब स्क्रीन पर दुबे जी, दुबे जी कई और राज्य हैं, आप कह रहे थे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि अग्निवीर का नुकसान हुआ है। नहीं, इसको अग्निवीर से देखने की जरूरत नहीं, इसको अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो पार्टी इन सभी विषयों पे समीक्षा करेगी। इसके आप कह रहे हो अभी भी अग्निवीर का नुकसान नहीं हुआ? नहीं नहीं, इसके तीन मुख्य कारण है, मैं आपको बताऊं। पहला ये कि वोट प्रतिशत इस बार कम हुआ हर जगह, 5%, 7%, 8%, और ये जो हमारा 400 का नारा भी था, लोगों ने सोचा कि हम जीत रहे हैं, बहुत से लोग जो हमारे कार्यकर्ता थे वो कनेक्ट प्रॉपर नहीं, पन्ना प्रमुख नहीं बनाए थे आपने? नहीं बनाया था, मैं बनाया था। समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत, ये मेरे अपने सुझाव हैं। आपने कहा कि हमारे वोटर बाहर नहीं निकले, एक मिनट दुबे जी, अभी एक मिनट, अग्निवीर योजना का कोई नुकसान नहीं हुआ आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमें नुकसान अग्निवीर योजना और किसानों का, केंद्र सरकार ने अपनी जितनी योजनाएं ले आए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप उड़ीसा देखिए, चलिए उड़ीसा में हमारी विधानसभा भी हम जीत के आए, लोकसभा जीत के आए, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही दुबे जी। अग्निवीर योजना वहाँ पे, आंध्रा में हम पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। सर यूपी का आप जिक्र कर रहे थे, 80 में से 80 स्टेट में कीर्तिमान। अब एक सवाल तो ले लीजिए, कहीं कहीं स्थिति रही है सर, जहाँ पे भावनात्मक रूप से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। अग्निवीर कितने कितने साल के लिए चुना जाता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अग्निवीर योजना का जो कितने साल के लिए कौन कर, सुनिए तो, 4 साल, सुनिए, 4 साल आपकी सरकार कितने साल चुनी जाती है, आपकी सरकार कितने साल के लिए बनती है? अग्निवीर योजना मैं बता देता हूँ, जो सेना को नहीं जानते हैं, भर्तियों को नहीं जानते, वही अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। सुन रहे हैं, लगता कि 25 राजीव जी, आप लोग सेना को नहीं समझते इसलिए विरोध कर रहे हो, आप के लोगों ने जो, आप अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए कर रहे हो राजीव रंजन जी? अगर देश में सेना को समझ रहे होते तो अग्निवीर जैसे योजना देश के लिए हिस्सा है। सर मैंने आपसे पूछा, आपकी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, आप अग्निवीर को कह रहे हो कि 4 साल, और 4 साल के बाद रिटायर हो जाओ, और आप कह रहे हो इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तिलक जी रिटायर नहीं कर रहे हैं, 25% लोगों को तो रख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये बात आप, ये बात नीतीश कुमार की पार्टी को समझाइए ना सर। देश में नौकरियां हैं, ट्रेनिंग की के बदौलत आप ट्रेन जब हो जाते हो तो आपके लिए अवसर की कमी नहीं होती है देश में। देखिए अभी सेना के अंदर, सेना के ऊपर मैं विवादास्पद कोई बात नहीं करता, सेना के अंदर आप चले जाइए, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के पास 10-10, 20-20 सेना के जवान काम करते हैं, कई ग्रेड में काम करते हैं। तो ये अग्निवीर योजनाएं बहुत तरीके से प्रायोजित थी, रोजगार के अवसर इसमें सृजन हो रहे हैं, और जो सेना है वो सशक्त हो रही है। और एक और बात मैं आज बता दूं, यदि कोई शहीद हो जाता है तो बाबू का सपना था कि भारत का हर नागरिक एक सिपाही के तरह हो, सिपाही बने, और ये अग्निवीर योजना सुभाष चंद्र बोस बाबू के सपने को, वो पूछ रहे हैं दो शहीद कैसे थे, के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, एक को शहीद का दर्जा और एक को शहीद का दर्जा नहीं मिलता?
मिलता है ना सर, आप जब 4 साल बाद ट्रेंड हो जाएंगे, बेहतर सिपाही हो जाएंगे, 25% जो ठीक सर हमने रखा उनको परमानेंट कि मसला आ गया डिमांड पर। ट्रेनिंग में आज तक बताइए कहाँ की ट्रेनिंग में जिसको ट्रेनिंग मसला आ गया डिमांड पर डूबे जी। आप कह रहे हो कदम पीछे खींचेंगे नहीं, राजीव जी कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, आशीष जी कह रहे हैं द्वार खुले हैं, आलोक जी कह रहे हैं ऐसे चल नहीं पाएगा। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आपको फिलहाल की जरूरत हो कहाँ से बच्चे ले आएंगे जब फिलहाल डूबे जी। ये बहुत बहुत हमारा बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सरकार हमारे आप यकीन मानिए इस इन मुद्दों पर चर्चा होगी, आप मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। मुझे जरूरी है कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो, भारत बेहतर भारत है इसकी परिकल्पना के साथ हम भारत को और बेहतर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं दे रहा बनने जा रहा। थैंक यू सो मच।